सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 9 सदाचार इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा कि सदाचार यानी अच्छे आचरण के बारे में पढ़ा, है ना। समाज में रहकर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे व्यवहार करने वाले को इस समाज में सभी लोग पसंद करते हैं और किस प्रकार के व्यक्ति जो है वो महापुरुष कहलाते हैं, तो उस सब के बारे में हमने पढ़ा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब सदाचार के इन नियमों को, जो भी समाज में रहने के लिए बनाए गए हमारे नियम हैं, इनको आप अवश्य अपनाओगे। तो आइए आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। क्या है शब्दार्थ? तो आइए देखते हैं शब्दार्थ इसके। सदाचार, सदाचार होता है अच्छा व्यवहार या फिर नैतिक आचरण। संयम, संयम यानी नियंत्रण। सद्गुण, सद्गुण अच्छा गुण। सद्गुण किसे कहते हैं? जो हमारे अच्छे गुण है उसे कहते हैं सद्गुण। और दुर्गुण यानी बुरे गुण। आगे है विपत्ति। विपत्ति यानी घूमना, विपत्ति सॉरी विचरण, विचरण यानी घूमना, विचरण घूमना। विपत्ति संकट, विपत्ति क्या होता है? कोई भी मुसीबत है ना, उसको कहते हैं विपत्ति। ये इसके पर्यायवाची है संकट मुसीबत। तो आगे है उच्चारण के लिए। ये शब्द जो है ये आपको मेरे पीछे बोलनी है और सभी को किताब से भी पढ़कर देखनी है। सद्गुण, सत्पुरुष, अखंड, संपर्क, विपत्तियाँ। क्या है? विपत्तियाँ। परिस्थितियों सॉरी परिस्थितियाँ। क्या है? परिस्थितियाँ। सर्वत्र, सर्वत्र। आदर्श, आदर्श। क्या है? आदर्श। इज्जत, मनुष्य, मनुष्य। शक्ति, शक्ति। सामर्थ्यवान। क्या है? सामर्थ्यवान। आगे प्रश्न उत्तर है, सदाचार किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है? सदाचार किसे कहते हैं? तो समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य सदाचार कहलाते हैं। जो हमारे समाज के कुछ नियम बने हुए हैं, अगर हम उसके अनुसार काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सदाचार। तो दोबारा देखो, समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। विपत्ति में क्या करना चाहिए? विपत्ति में क्या करना चाहिए जब कोई मुसीबत आ जाए? तो जब कोई विपत्ति में, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए बल्कि पूरी ताकत के साथ अपनी आई हुई विपत्ति का सामना करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? विपत्ति आने पर हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए बल्कि पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। सद्गुण से क्या तात्पर्य है? जो सद्गुण का क्या अर्थ था? अच्छे गुण, है ना। हमारे व्यवहार में जो अच्छे गुणों का होना क्या कहलाता है? सद्गुण कहलाता है। व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं तो इनकी आपको पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान है, मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। तो दोबारा देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला है, सदाचारी बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? ईमानदार। क्या होना आवश्यक है? ईमानदार। हाँ, सदाचारी होने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। आगे देखो, आगे है सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें, कि जो उत्तर सही है उसको इस कोष्टक में लिखना है। तो उत्तम व्यक्ति के गुण हैं, गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। तो उत्तम व्यक्ति के तो सारे ही गुण है ना, तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। घ, क्या आ जाओगे इसमें? घ।
सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। कैसी तपस्या है? अखंड। क्या आ जाएगा इसमें? ग। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। आगे प्रश्न उत्तर है, पहला है, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? तो इसका उत्तर है उसके व्यवहार से। अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। किससे होती है? अच्छे व्यवहार से। अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। अगला प्रश्न है, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सदाचारी व्यक्ति तो इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? देखो, सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सेवा करना, सत्य बोलना, किसी को भी कोई कष्ट न पहुंचाना, मीठे वचन बोलना और सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करना, यानी विनम्र रहना जैसे गुण होते हैं। दोबारा देखो, सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मीठा बोलना, विनम्र रहना और सेवा करना आदि गुण होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्या होता है? धैर्य और सहनशीलता। क्योंकि सदाचारी व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियां आने पर भी कभी भी विचलित नहीं होता। तो उस कौन से गुण है कि उस धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण जो सदाचारी व्यक्ति है वो विपरीत परिस्थितियां आने पर भी विचलित नहीं होता। सदाचार सफलता का मार्ग है। कैसे? तो सदाचार सफलता का मार्ग कैसे? सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण, उसके अच्छे गुणों के कारण उसके कार्य भी आसानी से बन जाते हैं, है ना, और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। और कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता। इसीलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। दोबारा देखो, सदाचारी व्यक्ति के जो अच्छे गुण हैं वो उसके कारण उसके सभी काम सहजता से हो जाते हैं, सभी लोग उसे पसंद भी करते हैं। और अगर उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुसीबत भी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कठिनाई आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में सदाचारी व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करता है। इसीलिए सदाचार को सफलता का मार्ग कहा गया है। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है, क्योंकि महापुरुषों में सदाचार होता है ना, और सदाचार के बल पर वो अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। और उनके द्वारा कार्य जो भी काम करते हैं महापुरुष, वो महान काम करते हैं ना, महान होते हैं, वो हमें सही रास्ता बताते हैं, इसीलिए वो हमारे आदर्श होते हैं। क्योंकि महापुरुषों द्वारा किए गए काम जो है वो महान होते हैं, वे अपने सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। और वो जो भी हमें बताते हैं, वो सभी उनके कार्य किए गए महान तो होते ही हैं, साथ में वो हमें सही रास्ता बताते हैं, इसीलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। आगे है भाषा की बात, शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर। किसको? शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाएं और उनका अर्थ जानें। जैसे देखो, अब शब्दांश हैं, शब्दांश क्या होता है? शब्द का एक अंश, और शब्द, इन दोनों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले है अनु प्लस शासन। क्या है? अनु प्लस शासन, क्या बन गया? अनुशासन, है ना। अनु प्लस प्रेरणा, अनुप्रेरणा। अनु प्लस रूप, अब रूप जो है पूरा शब्द है ना, और अनु जो है वो शब्दांश है, ऐसे ही इन सब में भी अनु शब्दांश है, शासन प्रेरणा ये सब क्या है? शब्द हैं। तो इन दोनों को जोड़कर क्या बन गया? अनुरूप। ऐसे ही नीचे दिए गए हैं, इनको जोड़कर हमें बनाना है। बे प्लस ईमान, बेईमान। महा प्लस पुरुष, महापुरुष। महा प्लस पुरुष, महापुरुष। पर प्लस उपकार, परोपकार। क्या बन गया? पर प्लस उपकार, परोपकार। इस प्रकार अनु, बे, महा, पर आदि शब्दांश, ये क्या है? शब्दांश हैं। मैंने पहले बताया था, ये शब्दांश हैं जो किसी अन्य शब्द के आगे लगकर, यानी उसके पहले लगते हैं, और ये क्या कहलाते हैं?
उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग की क्या परिभाषा है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो जिनका विपरीत अर्थ है। तो देखो, यानी विलोम शब्द है ना, क्या हो गया विपरीत अर्थ, यानी विलोम शब्द उल्टा, यानी उसका सदाचार का क्या है? दुराचार। ऐसे ईमानदार, ईमानदार का क्या हो जाएगा? बेईमान। क्या हो जाएगा? बेईमान। निर्भय, निर्भय यानी जिसको कोई डर ना हो, और इसका उल्टा क्या होगा? डरपोक। शाबाश, क्या होगा? डरपोक। अनुकूल, अनुकूल जिसके सभी हक में हो, है ना। और प्रतिकूल, इसका उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल। सद्गुण, सद्गुण यानी अच्छे गुण, उल्टा क्या होगा? दुर्गुण। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्गुण। कैसे लिखते हैं दुर्गुण? देखो, दू और ऊपर अगले शब्द के ऊपर होता है गुण, ये र आधा होता है इसलिए अगले शब्द के ऊपर चला जाता है, ये र हलंत है तो इसलिए अगले शब्द के ऊपर चला गया, अगले वर्ण के, सॉरी वर्ण के ऊपर चला गया। दुर्गुण, सद्गुण, दुर्गुण। तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद।